सदगुरु कबीर एकलौटवासी पद है, प्रारंभ की पंक्तियां हैं। अवधु ऐसा ज्ञान विचार, भेरे चढ़े सो अधर डूबे, निराधार भय पार। मंदिर पेश चहु दिस भीगे, बाहर रहे सो सूखा, सर मारे ते सदा सुखारे, अन मारे ते दुखा। सदगुरु कबीर कहते हैं कि ऐ अद्भुतों, तुम ऐसे ज्ञान पर विचार करो जिस ज्ञान को पाकर तुम्हारे मन की सारी भ्रांतियां दूर हो जाए और तुम्हारा जलता हुआ मन शीतल हो जाए। हर आदमी का मन जल रहा है। साहब की साखी तो प्रसिद्ध ही है, ई जग जड़ते देखिया अपने अपनी अपनी आग। सारा संसार अपनी अपनी आग में अपने ही बनाए हुए आग में जल रहा है। इस आग को हम दो शब्दों में कहें तो राग और द्वेष की आग है। या कह सकते हैं हम अहंता ममता की आग है, या फिर मोर और तोर की आग। बस इसी आग में पूरा संसार जल रहा है। बचने का साधन ज्ञान विवेक। बिना सच्चा ज्ञान प्राप्त किए मन की भ्रांति दूर नहीं होगी, और उस ज्ञान का आचरण किए बिना मन की जलन दूर नहीं होगी। एक तो भ्रांति है मन में, दूसरी बात मन जल रहा है, और दोनों के लिए साधन ज्ञान है। जब यथार्थ ज्ञान हो जाता है तो भ्रांति मिट जाती है। यथार्थ ज्ञान के अभाव में ही भ्रांतियां होती है। सच्चा बोध मिल जा, सच्चा ज्ञान मिल जाए, जो जैसा उसको वैसा समझ लें, जान लें, तो भ्रांति कहाँ रह जाएगी। और जो जान रहे हैं उसका आचरण कर लें तो मन में जलन कहाँ रह जाएगी। ज्ञान जानकारी नहीं है, जानकारी बिल्कुल ही अलग है। ज्ञान है तथ्य बोध। बड़े बड़े जानकार हैं, अनेक विषयों के विद्वान, इतनी भ्रांतियों में जकड़े हुए हैं, बेचारा रात दिन भय भी चिंतित है उसे। तो जानकारी बिल्कुल ही अलग है और ज्ञान बिल्कुल अलग है। तो ज्ञान है तथ्य बोध, और इसी से ही दुख दूर होगा। ज्ञान का अर्थ ही है मन में कोई दुख का न रह जाना। किसी भी बात को लेकर हमारे मन में यदि दुख हो रहा है, हम दुखी हैं, इसका मतलब है
उसके विषय में हमें समुचित ज्ञान नहीं है। सही ज्ञान हो और मन में दुख हो, ये नहीं हो सकता है। ज्ञानी होने का भ्रम हो सकता है हमको, ज्ञानी होना अलग बात है और ज्ञानी होने का भ्रम होना अलग बात है। जिसे ज्ञानी होने का भ्रम है वो तो दुख के सागर में डूबा रहेगा, लेकिन जो सही ज्ञानी है वो दुखी नहीं होगा। इसलिए सदगुरु कबीर ज्ञान पर विचार करने को कहते हैं। और फिर वो ज्ञान क्या है? भेरे चढ़े सो अधर डूबे, निराधार भय पार। कोई नदी है या छोटा मोटा कोई समुद्र जैसा है, उसको पार करना है। साहब कहते देखो, यदि तुम जहाज पर चढ़ करके या नाव पर चढ़ करके पार होना चाहोगे तो अधड़ बीच धारा में डूब जाओगे। अब बिना नाव के ही जाओगे तो बड़ी आसानी से पार हो जाओगे। उल्टी बात है, उलटवासी। इन नाव क्या है, बिना नाव की बात क्या है? यहां नाव, हर आदमी दुखी है ना, और हर आदमी दुख को मिटाना चाहता है। और ये कहा जाता है कि संसार सागर से पार जाना है, संसार सागर को तैरना है। तो आदमी संसार सागर से पार होना चाहता है और अपने दुख को मिटाना चाहता है। सहारा किसका पकड़ता है? अहंता ममता का। तब संसारिकता की नाव पर चढ़ोगे, संसारिक राग रंग मोह माया का सहारा पकड़ोगे तो बीच धारा में डूब जाओगे। और ये संसारिकता, संसारिक राग रंग का मोह छोड़ दोगे तो बड़ी आसानी से भवसागर को पार हो जाओगे। और होता क्या है, जहां से हमें दुख मिला है, दुख का कारण क्या है? संसारिक राग रंग की भावना, अहंता ममता। हमारा सारा दुख यहीं से शुरू हुआ है और हम इसी का सहारा लेकर के दुख से पार होना चाहते हैं। तो जहां से हमारा दुख शुरू हुआ है, जो हमारे दुख का कारण है, फिर उसी सहारा लेकर हम दुख से बचेंगे कैसे? और आदमी यही सहारा पकड़ रहा है, संसारिकता का, राग रंग का, मोह माया का। मोह माया को पकड़ करके, मोह माया में पड़कर आज तक कौन पार हुआ है? ये ऐसा भंवर है मोह माया का, ऐसा एक चक्र है कि इसमें जो पड़ जाता है वहां से निकलना उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है। उसमें घुसना तो बहुत आसान है लेकिन निकलना बहुत कठिन। तो बात कही जाती है कि महाभारत की लड़ाई में जब कौरवों की हार हो रही थी तो दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को खूब फटकारा था कि आप लड़ते हमारी तरफ से हैं और जीत पांडवों की चाहते हैं, आप ही कारण से हमारी हार हुई, बड़े बड़े योद्धा में हमारे मारे गए। तब द्रोणाचार्य ने पांडवों को हराने के लिए चक्रव्यूह का निर्माण किया, अर्जुन को दूर उलझा दिया युद्ध में। और अर्जुन के अलावा कोई चक्रव्यूह वेदना जानता नहीं था, सब लोग उदास हो गए।
तब अभिमन्यु आया और अभिमन्यु कहा, आप लोग उदास क्यों बैठे हैं? चक्रव्यूह बेदना तो मैं जानता हूँ और कैसे घुसना है, और छः सात दरवाजे तो छः दरवाज़ा तो मैं आराम मैं बड़ी आसानी से तोड़ सकता हूँ, सातवां नहीं तोड़ पाऊँगा। तो सभी ने कहा था, अरे तुम एक बालक हो करके उसमें चक्रव्यूह में प्रवेश कर सकते हो, छः दरवाज़ा तोड़ सकते हो, सातवां तो हम सब मिलकर तोड़ देंगे। और हुआ क्या, अकेले अभिमन्यु घुस पाया, छह दरवाजा तोड़ते तोड़ते सातवें दरवाजे के पास जब गया तो मारा गया, निकल नहीं पाया। अब पता नहीं ऐसा कौन सा चक्रव्यूह था, क्या था, वो तो बात की बात है। ये पूरा संसार ही चक्रव्यूह है, घुसना सब जानते हैं, निकलना कोई नहीं आया, किसी को नहीं आता है। घुस गए तो घुस गए, उसी में मर मर करके सब होता रहेगा। और घुसने में बहुत आनंद आता है, और जब अंदर घुस जाओ तब उसकी वास्तविकता पता चलता है तो रास्ते बंद हो गए होते हैं। लेकिन कोई बताए भी ना तो विश्वास कौन करेगा? कोई भी पिता बता दे अपने बेटे को, बेटा इस संसारिकता में, राग रंग में, माया में, विषय विकार में कुछ है नहीं, केवल उलझन है, तो बेटा विश्वास करेगा भला? तो साहब यहां कहते हैं, भेरी चढ़े सो अधर डूबे। जिस सांसारिक मोह माया का आधार लेकर के चलता है वो बीज धारा में ही डूब जाता है, उबर नहीं पाता उससे, और निराधार भय पार। और जो सांसारिक मोह माया का आधार छोड़ देता है, काम करता है, सेवा करता है, निष्काम रहता है, कहीं मोह नहीं बनाता, किसी में अपने मन को उलझाता नहीं है, राग राग की भावना मन में नहीं है, तो साहब कहते तुम पार हो जाओगे। पार होना है बहुत सरल, लेकिन बहुत कठिन हो गया है, क्योंकि आदत के कारण, आसक्तियों के कारण। पकड़ने में कठिनाई है ना, पकड़ने में व्यवस्था है, छोड़ने में कौन सी कठिनाई है, छोड़ने में कौन सी व्यवस्था है। लेकिन पकड़ने की ऐसी आदत हो गई है कि छोड़ना बहुत कठिन लगता है। कैसे छोड़ दें? वो कहते हैं, गुरुदेव जी कहा करते थे, एक बनिया, पहले जमाने की बात, गाड़ी मोटर जब इतने साधन नहीं थे तब प्राय लोग सिर एक गठरी बांध कर सिर पर रख लेते थे, या गठरी बांध कर ऐसे पीठ पर ही दोनों तरफ से लटका लेते थे। बनिया, एक बनिया कपड़े या सामान का बंडल बांध करके ऐसे पीठ पर लटका कर से लेकर चलते थे, गांव-गांव घूमते थे, जितना सामान बिका बिका शाम को फिर जो बचा बांध कर पीठ पर बांध कर ले आते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उसका सारा सामान बिक गया, लौट रहा था, तो लौटते लौटते इधर खेत में इतना बड़ा बड़ा चार पांच ढेला को अपनी गठरी में बांधा, ऐसे पीठ पर बांध लिया। लोगों का, अरे गैसे क्या कर रहे हो भैया, आदत है बांधने की, खा पीठ में कुछ नहीं लगता है कि उड़ जाऊंगा, इले मिट्टी बांध लिया है। तो बस आदमी की स्थिति है, पकड़ते पकड़ इतनी आदत हो कि बिना पकड़ के रहता, अरे हमारे पास कुछ है ही नहीं है, हम तो कुछ नहीं रह गए। पकड़ने में अपनी शान समझता है, और जितना पकड़ते गए हैं जो कुछ शान रहता सब गायब हो जाता है। बिना पकड़ के रहना बहुत सरल है,
लेकिन आदत। साहब कहते हैं तुम दुखों से मुक्त होना चाहते हो, संसार सागर से पार होना चाहते हो, तो ये मोह माया का आधार मत पकड़ो, मोह माया की नाव पर बैठो मत, ये संसारिक राग रंग के नाव पर बैठो मत, बैठे तो डूबे और छोड़ दो इसके, इच्छा तृष्णा छोड़ दो तो आराम से पार हो जाओगे। मंदिर पेश चहु दिस भीगे, बाहर रहे सो सूखा, जोरों की बरसात हो रही है मूसलाधार, और बरसात में भीगने से बचने के लिए कोई आदमी दौड़ करके एक मकान के अंदर जाता है। साहब कहते हैं याद रखना, यदि मकान के अंदर घुसोगे तो पूरी तरह से भीग जाओगे, एकदम तरबतर हो जाओगे। मंदिर पेश चहु दिस भीगे, मंदिर में घुसो, मकान में घुसोगे तो अच्छी तरह से भीग जाओगे, तरबतर हो जाओगे, और बाहर रहोगे तो सुख रह जाओगे। बात वही है जो ऊपर कही गई, बस कहने तरीका है। ये मोह के मंदिर में घुसोगे तो दुखों से अच्छी तरह से घिर जाओगे, भींग जाओगे, और निर्मोह रह करके रहोगे तो मोह छोड़ करके काम करो, कामना छोड़ करके काम करो, इच्छा छोड़ करके काम करो, लोभ छोड़ करके काम करो, तो सुखे के सुखे रह जाओगे। इसलिए साहब ने कहा है मंदिर तो है नहीं का मत कोई पैठोधा, ये मोह का मंदिर है, इसमें दौड़ करके देखा देखी घुसो मत। मोह बनाने की आदत है सबको, और जितना आदमी मोह बनाता है उतना ही चिंता से डूबता है, तनाव से पीड़ित रहता है, दुख रहता है। अब बाहर रहे तो सुखा, मोह छोड़ दिए तो क्या है फिर, कौन दुख है। ये नहीं कहा जा रहा है, कोई संत ये नहीं कहता है कि काम मत करो, कर्तव्य का पालन मत करो, लोगों से प्रेम विश्वास का व्यवहार मत करो, जहाँ जैसी जिम्मेदारी हो जिम्मेदारी का पालन ना करो, ऐसा तो कोई नहीं कहता। संतों का कहना यही है कि काम सब करो लेकिन लोभ मोह को छोड़ करके काम करो। लोभ मोह छोड़ करके काम करोगे तो काम बढ़िया तो होगा लेकिन आराम की जिंदगी जियोगे। इच्छा तृष्णा कामना की बारिश में भीगोगे नहीं, जितना लोभ मोह बनाओगे उतना तरबतर हो जाओगे इच्छा तृष्णा के पानी से। अब हो ही रहा है, सब अनुभव कर रहे होंगे। सर मारे थे सदा सुखारे, अन मारे थे दुखा, जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह से मार लिया वे सदा सदा के लिए सुखी हो गए, और जो अपने को मारने से डरता है वो सदा दुखी रह। सर मारते सदा सुखारे, अन मारे थे दुखा, जिन्होंने अपने को नहीं मारा वे जिंदगी भर दुखी रह गए, अच्छी तरह जिन्होंने अपने को अच्छी तरह से मार लिया सदा के लिए सुखी हो गए। ये मारना क्या है, शरीर को मारना नहीं है, आत्महत्या करना नहीं है, यह शरीर को कष्ट देना नहीं है। अर्थ है जिन्होंने अपने अहंकार को पूरी तरह से मार लिया वो सुखी हो गया, और जो अहंकार को नहीं मारता है, जो अहंकार में डूबा हुआ है, साहब कहते वो तो दुख के सागर में डूब जाता है,
अहंकार बहुत जल्दी आता है, और किस किस का अहंकार हो जाए कुछ ठिकाना नहीं है। और जितने अभी जिस किसी का अहंकार हो, अहंकार मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है। गुरुदेव जी भी कई बार कहा करते थे, जितनी ज़्यादा मूर्खता होगी उतने ज़्यादा अहंकार होगा, और जितना ज़्यादा अहंकार उतने ज़्यादा मूर्खता रहेगी। लेकिन कोई आदमी अपने छोटा मानने में तैयार कहाँ है, झुकने को तैयार कहाँ है। हर आदमी अपनी बात को सर्वोपरि रखना चाहता, हर आदमी की दशा यही है। किसी को हारना पसंद नहीं है, झुकना पसंद नहीं है। और साहब कहते हैं, हारा सो हरि को मिले, जीते जमपुर जाए। जो हार जाता है, या हारने का मतलब क्या है, झुक जाना, विनम्र हो जाना, प्रतिक्रिया में ना पड़ना, बदला लेने की भावना ना होना, यही हारना है। जिसके मन में किसी से भी बदला लेने की भावना नहीं है, कोई चाहे जैसा भी गलत व्यवहार कर रहा हो, जैसा भी कर्म कर रहा हो, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं, बदला लेने की जरा भी भावना नहीं है, सारा अपमान निंदा सह करके बिल्कुल जो शांत रह जाता है, वो तो सदा सुखी रहेगा ही ना, क्योंकि अपने को मार लिया, वो हार चुका, हार गया है। और जो छोटी छोटी बातों के लिए प्रतिक्रिया में पड़ता है, जिसके मन में निरंतर बदला लेने की भावना बलवती हो बनी रहती है, और जो सब पर विजय पाने की इच्छा रखता है, उसके जीवन में नरक के अलावा बचेगा क्या। दुख दुख दुख। जितना ज़्यादा अहंकार होगा और कामना होगी, उतने ज़्यादा बदला लेने की भावना होगी और प्रतिक्रिया होगी, छोटों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, परिचितों के लिए भी, अपरिचितों के लिए भी, सब के लिए। अब प्रतिक्रिया में पढ़कर आज तक कोई आदमी शांत नहीं हुआ है। प्रतिक्रिया में जीने वाला आदमी कभी सुख का अनुभव नहीं कर सका है। इसीलिए साहब कहते हैं, सर मारे ते सदा सुखारे। जिसने अपने आप को अच्छी तरह से मार लिया, पूरी तरह से मार लिया, बदला लेने की भावना प्रतिक्रिया का पूरी तरह से त्याग कर दिया, सहन कर लिया, बिल्कुल सहन, बाहर से भी भीतर से भी, वो सदा सुखी हो गया। सुख से रहना, निरंतर सुख का अनुभव करते रहना, सुख के सागर में निमज्जन करते रहना है बहुत ही सरल, कुछ भी नहीं लगने वाला है। लेकिन हमारे अहंकार के कारण इस सुख से रहना, सुख से जीना बहुत ही कठिन हो गया है। किसी और का दोष नहीं है, हमारा अहंकार का ही दोष है। और अहंकार को पालने पोसने वाले, अहंकार को बढ़ावा देने वाले हम स्वयं हैं। सर मारे सदा सुखारे अन महादुर दुर्गा साहब कहते हैं, तो आपने पहले कहा है कि ऐसे ज्ञान पर विचार करो, क्योंकि बात उल्टी बात से लगती है। ज्ञान की बात यही है
कि अपने को मार लेना, झुक जाना, जीत की भावना का त्याग कर देना, ये सुख से जीने का और कल्याण पाने का रास्ता है। इसके विपरीत का जो रास्ता है, अहंकार को सदैव जीवन बना करके रखना, जिंदगी भर दुख भोगते रहना और नरक में जाने का रास्ता है। अब साहब कहते हैं, अब तुम्हारी मर्जी, किधर जाना चाहते हो? अहंकार को जिला करके आज और आगे नरक भोगना चाहते हो तो अहंकार को जिला करके रखो, और यदि इस नरक की आग से बचना है, नरक के दुखों से बचना है, तो अपने अहंकार को पूरी तरह से मिटा डालो, कहीं कुछ रहने ही न दे, किसी बात के लिए अहंकार ना हो। आज स्वर्ग, आगे स्वर्ग, आज मुक्त, आगे मुक्ति, यही सुख का रास्ता है। तो बातें सुनने में उल्टी लगती है, लेकिन साहब कहते हैं इस बार विचार करो और विचार कर सोचो कि कल्याण सुख का रास्ता क्या है। निर्मोह रहना, सांसारिक मोह, सांसारिक राग रंग का आधार न लेकर निराधार रहना, और निर्माण हो जाना, यही सुख का, शांति का, कल्याण का मार्ग है। इस मार्ग पर जो भी चला है, दिखने में लगता है उसकी हार हुई है, लेकिन उसी के अंत में जीत हुई है और वही कल्याण का भागीदार हुआ है। हमारे लिए भी यही रास्ता है, इसी रास्ते पर चलकर हम आज अपने जीवन को बड़े आराम से सुख शांतिपूर्वक जी सकते हैं और सारे बंधनों को काट करके कल्याण मोक्ष गति की प्राप्ति कर सकते हैं। अपनी बात को यहीं पर मैं विराम देता हूँ।